हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शहर की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जिसे पूरी दुनिया सिटी ऑफ लव के नाम से जानती है। यहां की हवा में और कण कण में रोमांस की खुशबू महकती है। विश्व में सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स इसी शहर में लगाई गई थी और यहां पर महिलाओं का प्रोटेस्ट करने का एक बेहद ही अनोखा अंदाज भी है। एक ऐसा शहर जहां बच्चों से ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं और इस शहर को दुनिया में सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले ऑड इवन रूल का सिस्टम भी इसी शहर में लागू किया गया था। एक ऐसा शहर जहां का अधिकतर हिस्सा कब्रिस्तान के ऊपर बसाया गया है। इस शहर को अपने आर्ट, कल्चर और फैशन के लिए भी जाना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं प्यार की नगरी पेरिस की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं पेरिस की शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है और ये फ्रांस का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसकी आबादी 2.14 मिलियन के आसपास है। फ्रेंच पेरिस की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पर लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज बोलना काफी कम आता है और इंग्लिश सीखना पेरिस के लोग जरूरी भी नहीं समझते। ज्यादातर लोग फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। अगर आप कभी पेरिस जाएं तो फ्रेंच लैंग्वेज के कुछ शब्द डिक्शनरी से पढ़कर ही यहाँ पर जाएं। पेरिस शहर का बॉर्डर 6 देशों से जुड़ा हुआ है, जिसमें जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के नाम शामिल है। पेरिस में रहना सिंगापुर, न्यूयॉर्क और हांगकांग जैसे बड़े शहरों से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि यहाँ लोग लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। पेरिस शहर दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता है और आज के समय में पेरिस की जीडीपी 818 बिलियन डॉलर है। पेरिस शहर का इतिहास 2300 साल पुराना माना जाता है। एक समय पर यह रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और उस समय इस शहर का नाम पेरिस नहीं बल्कि लुटेशिया पेरसियोरम था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुल 38 जगह ऐसी हैं जिनका नाम पेरिस है, लेकिन पूरी दुनिया सिर्फ फ्रांस के पेरिस के बारे में ही जानती है। पेरिस में ही सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स लगाने की शुरुआत हुई थी। आज ये पूरा शहर 24 घंटे ही जगमगा रहता है। सूरज ढलते ही शहर की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और खूबसूरत रोशनी में नहाया हुआ ये शहर किसी जन्नत से कम नहीं लगता। पेरिस में एक पुल है जिसका निर्माण 1607 में हुआ। ये पेरिस का सबसे पुराना पुल माना जाता है, लेकिन इस पुल का नाम न्यू ब्रिज रखा हुआ है। दोस्तों, पेरिस के लोगों को डॉग्स भी काफी ज्यादा पसंद होते हैं। इस शहर में 7.5 लाख से ज्यादा कुत्ते मौजूद हैं। ये संख्या शहर में मौजूद बच्चों से भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अपने पेट का नाम नेपोलियन नहीं रख सकता, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का राजा हुआ करता था और अगर कोई अपने पेट का नाम नेपोलियन रखता है तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। चूंकि फ्रांस एक डेमोक्रेटिक नेशन है, इसीलिए यहाँ पर हर किसी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का मानवाधिकार प्राप्त। पेरिस शहर कितना मॉडर्न है इसका अंदाजा आपको यहाँ पर होने वाले प्रोटेस्ट के तरीके से पता लग जाएगा। खासतौर पर महिलाएं जब भी किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट करती है तो अक्सर वे अपने कपड़ों को हवा में उछाल कर विरोध करती है, और तो और कई बार पेरिस शहर में महिलाएं टॉपलेस होकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई है। इस तरह के प्रोटेस्ट की शुरुआत एक म्यूजियम से हुई थी, जिसमें महिलाओं को छोटे कपड़े पहनकर जाने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं ने इसके विरोध में अपने कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट किया और उसके बाद तो ये जैसे पेरिस का कल्चर ही बन गया। यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन का विरोध करना हो या सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का विरोध करना हो, महिलाएं हर बार एकजुट होकर विरोध करती हैं। पेरिस शहर घूमने के लिए हर साल 30 से 35 मिलियन लोग यहाँ आते हैं। पेरिस की बात हो और हम आइफल टावर की बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता साहब। पेरिस अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए मशहूर है तो वो है आइफल टावर। आइफल टावर जाना हर इंसान का सपना होता है। दुनिया के 8 अजूबों में शामिल आइफल टावर का वजन तकरीबन 7000 टन का है। आइफल टावर की 3 मंजिल है। पहली मंजिल जमीन से 58 मीटर ऊंची, दूसरी मंजिल 115 मीटर और तीसरी मंजिल 275 मीटर की ऊंचाई पर। आइफल टावर को देखने के लिए हर साल 75 लाख से ज्यादा पर्यटक पेरिस आते हैं। कपल्स के बीच में तो आइफल टावर इतना पॉपुलर है कि यहाँ हर शाम को एक परंपरा सी हो गई है कि वो एक दूसरे को टावर के नीचे प्रपोज जरूर करें। क्या आपको पता है दुनिया की पहली फोटोग्राफ पेरिस में ही खींची गई थी? पेरिस के बारे में आपको एक बात और बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में एक नकली पेरिस शहर भी बनाया गया था। ये शहर जर्मनी की सेना को धोखा देने के लिए बनाया गया था। क्या आपको पता है कि पेरिस असल में कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है? आजकल लगभग 6 मिलियन पेरिस निवासियों के अवशेष पेरिस की सतह के नीचे आराम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेरिस में एक इंसान ऐसा भी है जिसे आइफल टावर से नफरत है। जी हाँ, पेरिस के मशहूर लेखक हेनरी रेने अल्बर्ट गाय डे मॉपासंत आइफल टावर से सख्त नफरत करते थे और वैसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। चूंकि आइफल टावर पेरिस की हर कोने से दिख जाता है, इसी वजह से लेखक हर दिन टावर के नीचे बैठकर लंच करते हैं ताकि उसे टावर दिखाई ना दे। उनका कहना है कि सिर्फ वही ऐसी जगह है जहां से उन्हें टावर दिखाई नहीं देता। पेरिस में कई ऐसे अजीबोगरीब नियम हैं जिन्हें जानकर आपको काफी हैरानी होगी। इनमें से एक ये है कि यहां पर मरे हुए
व्यक्ति के साथ शादी करना कानूनी रूप से वैध है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। सन 1959 में फ्रांस सरकार द्वारा मुर्दों से शादी करने को कानूनी मान्यता दे दी गई थी। इसके अलावा पेरिस शहर में टॉयलेट पेपर को एक चेक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आप कुछ अमाउंट और बाकी जानकारी अगर टॉयलेट पेपर पर लिखकर बैंक में जमा करा दे तो बैंक को उसे लेना पड़ता है। एक बात और आपको हैरान जरूर करेगी कि पेरिस के स्कूलों में कॉन्डोम्स वेंडिंग मशीन लगी हुई है, क्योंकि फ्रांस में सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की कम से कम उम्र 15 साल है। पेरिस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 10वीं क्लास से ही पहले बच्चों को अन्य सब्जेक्ट्स के साथ साथ सेक्स एजुकेशन भी दी जाती है। पेरिस में आप किसी भी पुलिस या फिर पुलिस की गाड़ी की फोटो बिना उनकी इजाजत के नहीं ले सकते, नहीं तो सीधे अंदर। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेरिस में महिलाओं को लंबे समय तक पुरुषों की तरह कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। जी हाँ, महिलाएं यहाँ पर पैंट नहीं पहन सकती थी। हालांकि अब इस नियम को लगभग हटा दिया गया है, वरना पहले अगर कोई महिला पैंट पहनना चाहती थी तो उसे पहले पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती थी। दोस्तों, पेरिस में लोगों को फुटबॉल का खेल काफी पसंद है। काइलियन एम्बाप्पे जैसे प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों का जन्म पेरिस में ही हुआ। पेरिस में एक नियम है कि अगर कोई पुरुष बहुत ज्यादा फुटबॉल देखता है तो उसके इस आदत से परेशान होकर उसकी पत्नी बिना किसी अन्य वजह से उससे तलाक ले सकती है। पेरिस में जनसंख्या और बढ़ते टूरिज्म के कारण प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और इसे रोकने के लिए सरकार ने यहाँ पर ऑड इवन नियम भी लागू किया है। साथ ही गाड़ियों के लिए कई जगह सिर्फ 30 की स्पीड लिमिट तय की गई है। सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अब पेरिस के लोग भी ये बात अच्छे से समझने लगे हैं। अब आपको यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल चलाते ही नजर आएंगे। पूरे शहर में 500 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक भी बनाए गए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि पेरिस में क्राइम रेट काफी कम है। यहाँ पर आधी रात को भी महिलाएं आसानी से बाहर घूम सकती है, देर रात तक पार्टी कर सकती है, इसीलिए पेरिस सैलानियों का सबसे पसंदीदा जगह है। पेरिस में कई सारे नाइट क्लब्स और बार्स भी मौजूद है जहाँ आप जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं और अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। 40,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स भी पेरिस में मौजूद है। पेरिस शहर का खाना भी आपको जरूर पसंद आएगा। यहाँ के प्रसिद्ध डिशेस की बात करें तो उनमें क्रोइसेंट्स, मैक्रॉन्स, स्टेक टाटार, आइस्टर्स और फलाफेल आदि शामिल है। आपने जरूर ब्लडी मेरी कॉकटेल के बारे में सुना होगा। इस फेमस ड्रिंक की पूरे यूरोप में काफी डिमांड रहती है। टमाटर, नींबू और वोदका से तैयार इस ड्रिंक को पहली बार पेरिस में ही बनाया गया था। पेरिस शहर अपनी ओपन शॉप्स के लिए भी जाना जाता है। ना सिर्फ दुकानें बल्कि कई बार्स और रेस्टोरेंट्स भी ओपन में बने हुए हैं, जो यहाँ आने वाले सैलानियों को काफी पसंद आते हैं। पेरिस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर हफ्ते या हर महीने कुछ अनजान लोगों को पार्टी देते हैं। इनमें ज्यादातर टूरिस्ट्स ही शामिल होते हैं। उन पार्टीज में पेरिस के कल्चर की झलक नजर आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेरिस में मूवीज की शूटिंग के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स फिल्म मेकर्स को नहीं देना पड़ता, और यही वजह है कि पेरिस बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कई फिल्म मेकर्स के पसंदीदा डेस्टिनेशन बन चुका है। पेरिस शहर में आपको चारों तरफ लव बर्ड्स और खुशहाल कपल्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर अपने पार्टनर को किस करना और हग करना भी एक आम बात है, लेकिन पेरिस के रेलवे स्टेशन पर किस करना गैर कानूनी माना जाता है। पेरिस शहर में 400 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इनमें से कुछ मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें भूतिया कहा जाता है, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन काफी सुनसान है और आज तक या तो यहाँ पर मेट्रो चली ही नहीं या फिर पैसेंजर्स के ना आने के कारण मेट्रो चलनी बंद हो गई है। पेरिस में साल 2016 तक वेश्यावृत्ति पूरी तरह से लीगल था, हालांकि अब यहाँ पर इस काम को लेकर कुछ सीमाएं लगाई दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में ये काम धड़ल्ले से हो रहा है। दोस्तों, पेरिस में एक ऐसे राजा भी हुए हैं जिनके पास सत्ता सिर्फ 20 मिनट ही रही। 2 अगस्त सन 1830 को लुईस एंटोवन फ्रांस के लुईस 21 बने थे, लेकिन 20 मिनट बाद ही उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें कि फ्रांस की सेना अभी भी पेरिस में पैदा हुए करियर कबूतरों का इस्तेमाल करती है। जानकारी के लिए बता दें कि इन कबूतरों को दोनों विश्व युद्ध के दौरान एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब हम आपको बता दें पेरिस के उन जगहों के बारे में जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आइफिल टावर के बारे में आप सभी जानते हैं। आइफिल टावर से भी ज्यादा लोकप्रिय सैन रिवर के किनारे बना कैथेड्रल नोटे डेम द पेरिस है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस चर्च को देखने आते हैं। पेरिस शहर में कुल मिलाकर 172 म्यूजियम, 450 गार्डन्स हैं, साथ ही लगभग 1800 स्मारक यहाँ देखने को मिल जाएंगे। लूव म्यूजियम दुनिया का सबसे लोकप्रिय म्यूजियम है। लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मोनालिसा की असली तस्वीर भी इसी म्यूजियम में रखी हुई है। पेरिस का डिज्नीलैंड भी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये दुनिया में दूसरा सबसे अधिक घूमने जाने वाला थीम पार्क है। 2 किलोमीटर लंबी रंगिस इंटरनेशनल मार्केट शॉपिंग के लिए एक किफायती जगह है। पेरिस में एक वॉल ऑफ लव है जिसके ऊपर 300 भाषाओं में आई लव यू लिखा हुआ।
हुआ है। अब आपको बताते हैं कि क्या यहाँ का वीजा प्रोसेस, पेरिस में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो फ्रांस का वीजा 5 से 20 दिन के अंदर मिल जाएगा। आपको पेरिस घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1.5 लाख खर्च करने होंगे। फ्रांस की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू है लगभग 80.82 भारतीय रुपए। तो ये था प्यारा देश पेरिस का फ्रांस। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है इस शहर को घूमने का? अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। फिलहाल वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।